यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने एक टेजर गन की टेस्टिंग खुद पर कराई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लखनऊ में डीजीपी ऑफिस में टेजर गन के इस्तेमाल पर मीटिंग थी। जावेद अहमद जानना चाहते थे कि टेजर गन की गोली लगने से क्या होता है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा टेस्ट के लिए कौन तैयार है। जब कोई जवाब नहीं आया तो डीजीपी खुद आ गया। टेजर गन की गोली जावेद अहमद को मारी गई। पीठ में गोली लगते ही वो मुंह के बल फर्श पर गिर गए। दो पुलिस अफसरों ने उन्हें पकड़ रखा था। कुछ ही सेकंड बाद डीजीपी नॉर्मल हो गए। पीठ के जिस हिस्से में उन्हें गोली लगी वहां से खून भी निकला। इस दौरान तीन पुलिस अधिकारियों ने वीडियो बना लिया और आईपीएस अफसरों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। आईपीएस एसोसिएशन ने वीडियो ट्वीट किया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी पुलिस टेजर गन खरीदने की तैयारी में है। यूपी एटीएस पहले ही खरीद चुकी है। टेजर गन देखने में आम पिस्टल की तरह होती है। फायर करने पर पिन की तरह दो गोलियां निकलती हैं। टेजर गन की गोलियों से बिजली के करंट की तरह तेज झटका लगता है। मांसपेशियां सुन्न हो जाती हैं। व्यक्ति 3 से 5 सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। हिंसक प्रदर्शन या दंगों जैसे हालात में भीड़ पर काबू पाने के लिए टेजर गन काफी कारगर है। कई देशों में टेजर गन का इस्तेमाल होता है। कुछ मामलों में टेजर गन की गोली से लोगों की मौत भी हुई है। कुछ लोगों को लकवा भी मार चुका है।